सो मैंने सबसे पहले टैबलेट ले लिया और अब फर्स्ट मील में ले रही हूँ 5 आलमंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा जैन ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज है संडे, तो सब जन लेट उठे थे, हॉलीडे है, तो ब्रेकफास्ट भी काफ़ी लेट हो रहा है। अब ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, उठे भी लेट थे। फिर उसके बाद फर्स्ट मील में मैंने 5 आलमंड लिया था। टिफिन विफिन पैक हो गया, किचन का काम ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, रूम क्लीनिंग बाकी है, पर पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ये देखिए, ये क्या हो गया? मोबाइल में देखती हूँ तो पता चलता है फेस पर कुछ ना कुछ हो रहा है। ये मुझे लगता है कुछ काटा है शायद, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला मेरा देखने का। और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। मेरा, परी का, दीव का, सबका यही है और सब मेरे साथ यही। ये ध्यान, ये परी परी के इधर आ रहा है, परी को बार बार इधर आ रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरी ब्रेकफास्ट की प्लेट। सो ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है एक पराठा, पनीर पराठा है, पनीर और ग्रीन ऑनियन, और साथ में मैंने बहुत सारा कोरिएंडर डाला है, और साथ में मैंने लिया है फ्राई ग्रीन चिली। बहुत टेस्टी पराठा बना था। गरम है, जब ये वन पीस पहनती है ना, फुल बिल्ली लगती है, पूरी बिल्ली। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट मील के साथ। मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं ले रही हूँ बनाना, और इसके पहले मैंने आंवले का जूस भी पिया था, आज थोड़ा ही पिया था। सो चलिए अब मैं इसे इंजॉय करती हूँ। कोई भी एक फ्रूट इंक्लूड करना है डाइट में, सो आज मैं बनाना ले रही हूँ। जो भी अवेलेबल हो, सीजनल हो, कोई भी एक फ्रूट इंक्लूड करें। तो अब हम करेंगे लंच, और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मेरी लंच की प्लेट, और साथ ही परी के लिए क्या बनाया है वो भी दिखाती हूँ। और आजकल दियांश को मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही है, तो यहाँ पर दियांश के लिए स्वीट्स पड़ा है। और अपनी लंच की प्लेट में आपको दिखाती हूँ, और परी के लिए मैंने बनाया है ये गाजर का हलवा, प्लेन, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, नॉर्मल गाजर और मिल्क ऐड कर बनाया है, शक्कर भी ऐड नहीं किया है। और चलिए मैं मेरी लंच की प्लेट दिखाती हूँ आपको। सो ये है मेरी लंच की प्लेट, एक रोटी मेरा है, एक दीव का है, आलू प्याज की सब्जी है, कर्ड है, मिर्ची फ्राई और थोड़ा सा सलाद। तो ये है मेरी लंच की प्लेट, और ये देखिए, ये अभी हमला करने वाली है। चीनी चीनी तो बेटा आपके लिए हलवा है, बेटा आपके लिए ये नहीं है। तो हम सब साथ में खाएंगे। तो वैसे तो पहले मैं परी को खिलाऊंगी, लेकिन एक बाइट में टेस्ट करके बता देती हूँ। परी वेट कर रही है, आपको ही खिलाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मील के साथ। सो अभी आफ्टरनून का टाइम है, 4 o'clock हो रहे हैं, और मैं ले रही हूँ मेरा मील नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5। और इसमें मैं ले रही हूँ बटर मिल्क, आज काफ़ी दिनों के बाद बटर मिल्क ले रही हूँ। इतने दिन ठंडा था मौसम, तो मैंने बटर मिल्क पीना छोड़ दिया था। आज तो मॉर्निंग में बहुत गर्मी हो रही थी, सो आज बहुत दिनों के बाद बटर मिल्क लूँगी। और शाम को मुझे जाना है एक भक्ति में, और डिनर भी वही है, सो देखते हैं कैसे रहता है आज का दिन। इवनिंग स्नैक में मैं ले रही हूँ 1/3 पार्ट ऑफ भुट्टा। सो ये प्लेन भुट्टा लिया है मैंने, इस पर कुछ भी नहीं लगाया, तो बस यही आज का मेरा इवनिंग स्नैक है। तो अभी शाम के 8 बज रहे हैं, इवनिंग स्नैक में मैंने हाफ एक भुट्टे का 3 पार्ट किया था, सो इतना सा मैंने भुट्टा खाया था। और अब हम जा रहे हैं भक्ति में, डिनर भी वही है, सो आज डाइट के सेकेंड डे ही मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। और मैंने सोचा था ये पूरा महीना मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मतलब जाऊँगी लेकिन स्टार्टिंग के 1-2 वीक तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है करनी ही पड़ती है। सो मदर इन लॉ ने बोला है कि आज जाना है, तो अब मैं, मेरे हस्बैंड और दियांश जाएंगे, परी को मैं घर पर ही छोड़ के जाऊँगी। और मैंने वेयर की ये साड़ी, और सिंपल सी रेडी हुई हूँ, तो मैं भी रेडी हूँ। और ससुराल के फंक्शन में मोस्टली मैं साड़ी ही वेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखती हूँ वहाँ पर क्या है। तो
अब मैं आपको थोड़ी सी क्लिप भक्ति की भी दिखाऊंगी, तो चलिए चलते हैं। जय जय पारसनाथ, जय जय भैरव जी, जय जय पारसनाथ, जय जय भैरव जी, जय जय पारसनाथ, जय जय भैरव जी। हो मामा के लाल तेरा, मामा के लाल तेरा, हो ना कोड़ा के नाथ तेरा, हम ना बोला की आगे बोले रे बोले रुकरिया डोले, अम्मा मारा जगदम्बारा, भैरू जीरा खुशवानी मारा। सो ये है मेरी आज की डिनर प्लेट, और ये मेरी अकेले की प्लेट नहीं है, इसमें हम तीन जन खाएंगे। सो घर आ गए, चेंज वेंज कर लिया, और ये जो मैंने आपको अभी डिनर की प्लेट दिखाई है, ये मेरी अकेले की प्लेट नहीं थी, ये मेरी, दियांश की और दित्वी, हम तीनों की प्लेट थी। और ट्रस्ट में मेरे को आज बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं कल से ही डाइट स्टार्ट की, तो बस वो मैंने इस बार माइंड सेट कर दिया मुझे अब कम करना ही है। सो आज घर पर समोसे आए थे, पहली बार मैंने समोसों को मना किया है, मतलब हमेशा कैसे होता ना, एक बाइट खा लेती हूँ, आधा खा लेती हूँ, पूरा नहीं खा रही हूँ लेकिन आधा खा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने टच भी नहीं किया। और आज घर पर गुलाब जामुन भी आए थे, और गुलाब जामुन तो मेरे फेवरेट है, लेकिन आज मैंने उनको भी मना कर दिया, वो भी नहीं खाए। और भक्ति में भी मैं गई तो प्लेट तो मैंने ले लिया, फिर मैंने रोटी बच्चों को खिला दिया, और मैंने खाया एक डोसा और दो तीन पानी पूरी। आज मेरा वहाँ पर भी खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इस बार जो मैंने बहुत अपने दिमाग को सेट कर स्टार्ट किया कि नहीं अब मुझे करना ही है, और होप कि इस बार हो जाए। सो बस मुझे इस बार कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। और आज मैंने फाइनली वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया है, आज मैंने 15 मिनट वर्कआउट किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 2 साल से, मतलब मैंने बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं किया, सिर्फ वॉक करती थी, वर्कआउट वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, तो थोड़ा आज मुश्किल हुआ वर्कआउट करने में, एकदम से नहीं हो रहा था, भारी लग रहा था करने में, लेकिन धीरे धीरे बॉडी फिर से फ्लेक्सिबल हो जाएगा। आज मैंने 15 मिनट किया, धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होगा, मैं 15 मिनट में भी पूरा पसीना पसीना हो गई थी। सो थोड़ा थोड़ा स्टेप आगे बढ़ेंगे, काफ़ी टाइम से किया है तो ऑब्वियस है कि नहीं होना एकदम से मुझसे, मैं एकदम से आधा एक घंटा नहीं कर सकती हूँ। सो धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी, आज मैंने 15 मिनट किया, कल 20 मिनट करूंगी, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी। लेकिन अच्छा था आज का डे 2 भी अच्छा ही गया है, मैंने बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं खाया, फुल डे तो मेरा अच्छा ही था, पर शाम को थोड़ा सा वो बाहर जाकर जो खाया है वही है, पर वो भी मैंने ओवर लिमिट नहीं खाया है, पोर्शन कंट्रोल में ही खाया है। सो ये था मेरा डे 2, और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, मिलूंगी मैंने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।